बिसम रहीम uh, जी आज जो है वो हम मैथामेटिक्स के जो है वो कुछ सवाल आते हैं जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स में से लिए गए हैं आज उनको हम सॉल्व करेंगे uh, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो हमारी वीडियोज़ आप तक बसानी पहुँच सकें सबसे पहले हमारे पास है कि टेन मैन कैन कम्प्लीट अ जॉब इन फोर्टीन डेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फोर मैन टू फिनिश द सेम जॉब इफ़ दे वर्क एट द सेम रेट इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं आ, हर पेपर में तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं देखें बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन ये है कि हमारा कि दस बंदे हैं मैन हैं दस और वो काम कर रहे हैं फोर्टीन डेज में टाइम लग रहा है हमारे पास फोर्टीन डेज ठीक है या अगर हम ये करेंगे ये टी वन है ये एम वन है और उसके अलावा हमारे पास जो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फोर मैन अब एम टू जो है वो हमारे पास है फोर मैन एंड वॉट डज़ टी टू विल बी ना तो टी टू हमारे पास क्या होगा तो अब देखें इस बात को याद रखें कि जब दस बंदे हैं तो फोटीन डेज लग रहे हैं अब बंदे जब कम होंगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा ठीक है जब बंदे कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो इट मीन्स लेस मैन मोर टाइम तो इसको अब हम इस तरह से रखेंगे फार्मूला हम ये लगा सकते हैं एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू ठीक हो गया अब इससे हमारा आसान हो गया अब तकरीबन सॉल्व भी हो गया अब कैसे एम टू वैल्यू पुट करेंगे एम टू में है फोर डिवाइड बाई एम वन है हमारे पास टेन इज़ इक्वल टू टी वन है हमारे पास कितना टी वन है हमारे पास फोटीन और टी टू है हमारे पास मालूम करना है तो x हम रख लेते हैं ठीक हो गया अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये फोर एक्स इज़ इक्वल टू टेन को फोरटीन से करेंगे या टेन इन टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अब जो है फोर एक्स इज़ इक्ल टू टेन को फोर्टीन से करूँगा तो वन आ जाएगा अब एक्स इज़ इक्वल टू वन फोर्टी डिवाइड बाई फोर अब जो है एक्स इज़ इक्वल टू फोर वन दा फोर फोर थ्री ऐल् अब जो है टू इस तरफ चले जाएंगे ट्वेंटी तो फोर फाइव दा ट्वेंटी तो थर्टी फाइव डेज लगेंगे अगर बंदे होंगे चार चार बंदे होंगे तो थर्टी फाइव डेज लगेंगे तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा थर्टी फाइव डेज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ अच्छा अब जो है ये है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज़ एंड बी कैन डू इट इन फिफ्टीन डेज़ द नंबर ऑफ़ डेज रिक्वायर्ड बाई देम टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर इज़ अब देखें इसमें ये सवाल इस तरह से होगा अगर ए जो है वो दस दिन में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है अगर हम देखें एक दिन में जो काम कर रहा है वो कितना कर कर रहा है वन अपॉन टेन ठीक हो गया इसी तरह से हम देखते हैं बी जो है वो कर रहा है वन अपॉन फिफ्टीन एक दिन का ये काम है अब द नंबर ऑफ डेज़ रिक्वायर्ड बाय देम अगर दोनों साथ जो है वो काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे तो अगर मैं ये कहूँ कि आसान तरीके से ए प्लस बी इज़ इक्ल टू वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन फिफ्टीन यहाँ बल्कि ए प्लस बी इसको भी वन कर देता हूँ इस तरह से ये सही रहेगा ठीक हो गया अब हम सिंपल इसका जो है वो एल सी एम लेंगे टेन और फिफ्टीन का जो है वो एल सी एम कितना होगा टेन फिफ्टीन अगर यहाँ पे फाइव और यहाँ पे जो है वो पंद्रह वो ही रखूँगा और यहाँ पे जो है वो थ्री की टेबल लगाऊँगा फाइव और ये थ्री फाइव सा फिफ्टीन तो ये फाइव यहाँ पे आ गया फाइव थ्री सा फिफ्टीन फिफ्टीन को टू से मल्टीप्लाई तो ये टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव टू थ्री सा सिक्स सिक्स फाइव ज़ा थर्टी तो थर्टी हमारा आ गया यहाँ पे एन सी एम आ गया अब थर्टी को टेन से डिवाइड करेंगे ठीक है ना थर्टी को डिवाइड करेंगे टेन से तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास थ्री हमने यहाँ पर रख दिया अब थर्टी को फिफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आ, एक पंद्रह पंद्रह दो पंद्रह तीस तो ये हमारा आ गया दो ठीक हो गया जी अब जो है तीन और दो पाँच अपॉन थर्टी अब फाइव वन जो फाइव सिक्स फाइव ज़ा थर्टी तो वन अपॉइंट सिक्स वन अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल वन अपॉइंट सिक्स अब ए प्लस बी इज़ इक्ल टू सिक्स अब दोनों साथ कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं सिक्स डेज तो ये यहाँ पे हमारा आंसर है सिक्स डेज तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट तो बहुत आसान है ये लेकिन ये अगेन इस पर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी और जब तक आप करेंगे नहीं जब तक जो है वो ये मुश्किल होगा लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान रहेगा चलें अब हमारा तीसरा सवाल है फिफ्टीन मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज़ इन हाउ मेनी डेज कैन ट्वेंटी फाइव मैन फिनिश द सेम वर्क अब अगर पंद्रह बंदे हैं वो बीस दिन में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग पंद्रह बंदे हैं अगर मैं इसको लिखूँ कि अगर मैन है हमारे पास पंद्रह और डेज हैं हमारे पास आ, जो है कितने डेज डेज हमारे पास ट्वेंटी ठीक हो गया जी अब बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज कैन ट्वेंटी फाइव मैन बंदे हैं पच्चीस तो दिन कितने लगेंगे अब याद रखें पंद्रह बंदे बीस दिन पच्चीस बंदे तो अब टाइम कितना कम लगना चाहिए ज्यादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए ठीक है ना तो क्योंकि बंदे बढ़ गए बंदे बढ़ गए तो अब काम जो है वो और दिन जो है वो कम लगेंगे तो यहां पे मैं लिखू लिख सकता हूं कि लेस मैन या जो है सॉरी मोर मैन लेस डे ठीक हो गया यहाँ तक अब जो है इसको हम करते हैं फिफ्टीन डिवाइड या डायरेक्ट आप यहीं से देखें फिफ्टीन ट फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करता हूँ ट्वेंटी से डिवाइड बाय ट्वेंटी फ़ाइव एक्स ठीक हो गया अब या तो हाँ अब ट्वेंटी फाइव एक्स अब पंद्रह को बीस से अगर हम करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा या यहीं से करते हैं फाइव फोरज़ार ट्वेंटी फ़ाइव फाइव फाइव दा ट्वेंटी फाइव फ़ाइव वन सा फ़ाइव फाइव थ्री सा फिफ्टीन थ्री फोर दा तो ये हमारे पास आ गया ट्वेल्व और ये एक उस तरफ चले जाएगा तो एक्स इजिकल टू ट्वेल्व तो ये हमारा आ गया बारह तो बारह बंदे जो है वो सॉरी बारह दिन जो है वो लगेंगे अगर पच्चीस बंदे होंगे होंगे तो तो दिन हमारे पास क्या हो गए कम हो गए ठीक हो गया जी ये हमारा यहाँ पे आंसर है चलें जी आगे चलते हैं अब जो है हमारे पास है फिफ्टीन मैन कैन कम्प्लीट अ जॉब इन टेन डेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक एट मैन टू फिनिश द सेम जॉब इफ़ दे वर्क एट सेम रेट अब देखें इसमें क्या है कि हमारे पास पंद्रह बंदे हैं जो कि दस दिन में काम कर रहे हैं ठीक है अब हम देखें यहाँ पे अगर हम हमारे पास एम वन है पंद्रह पंद्रह बंदे हैं और काम कर रहे हैं दस दिन में ना तो टी वन है हमारे पास टेन डेज ठीक हो गया जी अब हमारे पास हाउ लॉन्ग विल इट टेक अगर मैन है आठ और टाइम हमारे पास कितना लगेगा एक्स यहाँ मालूम करना है ठीक हो गया यहाँ तक अब जो है अब जाहिर सी बात है जहाँ पंद्रह बंदे दस दिन है अब आठ बंदे हो गए बंदे कम हो गए तो टाइम क्या लगेगा जाहिर सी बातें ज़्यादा लगेगा तो लेस मैन मोर टाइम रिक्वायर्ड ठीक हो गया अब जो है इसमें क्या तरीके होगा अगेन वही होगा अब हम क्या करेंगे इस पर यह फार्मूला लगा सकते हैं वही जो हमने पहले भी लगाया एम टू डिवाइड बाई एम वन मल्टीप्लाई टी वन डिवाइड बाई टी टू अब जो है एम टू है हमारे पास आठ अपॉन पंद्रह इज इक्ल टू टी वन है हमारे पास दस और टी uh, टू है हमारे पास मालूम करना है ठीक हो गया जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जी तो क्या होगा हमारे पास एट एक्स इज इक्ल टू टेन मल्टीप्ला फिफ्टीन तो एक्स इज इक्वल टू टेन को फिफ्टीन से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा वन फिफ्टी अपॉन एट अब ये जो है आगे क्या होगा अब ये जो होगा वो ये होगा कि आठ को अगर करेंगे टेबल लगाते हैं एट वन दा और एट टू ज़ा सिक्सटीन एट वन ज़ा एट और सेवन रह गए तो ये इस पर टेबल नहीं लग रही तो वन फिफ्टी अपॉन एट और हमारे पास जो आंसर है वो ये है हमारे पास आंसर क्या है वो ये है अब हम करेंगे क्या या तो इसको ऐसे करते हैं बल्कि टेन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन डिवाइड बाई एट ठीक है अब टू फाइव ज़ा इसको आसान करने के लिए टू फोर ज़ा एट ठीक है अब फाइव मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन तो ये हो गया थर्टी डिवाइड बाय थर्टी डिवाइड बाय फोर सॉरी फाइव फिफ्टीन ज़ा सेवनटी फाइव सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय फोर अब सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय फोर लेकिन अब एक अगेन अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो आंसर क्या है आंसर इस तरह के हैं अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर तो अगर हम कहें कि हमारा आंसर आ गया यहाँ पर सेवेंटी फाइव बाय फोर हमारा आंसर वैसे आ गया है लेकिन अब ऑप्शन तो हमारे पास कुछ अलग से ही हैं तो इनको हम तोड़ना होगा हमें तो देखना होगा अगर यही आंसर आ रहा है इन में तो वो उस ऑप्शन को हम टिक करेंगे कैसे मिसाल के तौर पे अब पहला ए ऑप्शन है हमारे पास फ़ोटीन थ्री बाय फोर तो अब फोर को आप मल्टीप्लाई करोगे फ़ोटीन से फोटीन फोटी ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट ये फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स को थ्री से हम प्लस करेंगे फिफ्टी नाइन अपॉन फोर तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा ठीक हो गया अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं सिक्सटीन थ्री बाय फोर सिक्सटीन थ्री बाय फोर अब फोर को मल्टीप्लाई करोगे आप सिक्सटीन से सिक्सटीन फोर था सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर प्लस थ्री सिक्सटी नाइन अपॉन फोर तो ये ऑप्शन भी हमारे पास हो जाएगा गलत इसी तरह से तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं एटीन थ्री बाय फोर अब एटीन थ्री बाई फोर अब फोर को एटीन से करेंगे एटीन को फोर से करेंगे तो ये आता है सेवेंटी टू मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी टू आ जाएगा सेवेंटी टू को मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे थ्री से तो ये आ जाएगा सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर आपको अब ये देख रहा होगा सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर आंसर हमारा ये यहाँ पे आ रहा है तो डी को भी लेकिन करके देख रहे हैं क्या पता कि वो भी है ट्वेंटी थ्री बाय फोर क्योंकि बहुत औका ऑप्शन भी दे सकते हैं ट्वेंटी थ्री बाय फोर तो ट्वेंटी थ्री बाय फोर फोर को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे एटी एटी को थ्री से करेंगे एटी थ्री प्लस सॉरी एटी थ्री डिवाइड बाय फोर तो हमारे पास जो आंसर ये भी नहीं होगा आंसर हमारे पास जो आंसर होगा एटीन थ्री बाय फोर सी ऑप्शन और जो के इक्विवेलेंट है सेवेंटी फाइव अपॉन फोर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है वो यू कैन फील फ्रीली टू आस्क ठीक हो गया जी फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे अल्लाह हाफिज़